शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना के संकट के चलते देश में बड़े पैमाने पर शादी समारोह स्थगित किए जाने से इसका असर लॉन, कैटरर्स, बिछायत और डीजे और मंडप डेकोरेशन के व्यवसाय पे हुआ। ऐसे में शादी समारोह से जुड़े दिग्गज शहर के व्यवसायिकों ने इस संदर्भ में अपनी समस्याओं का बखान करते हुए राज्य सरकार से व्यवसाय संबंधी आर्थिक समस्याओं से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। पेश है ये रिपोर्ट। कल तक भारत देश में शादी से जुड़े विभिन्न व्यवसाय को रेसेशन प्रूफ यानी मंदी से मुक्त व्यवसाय माना जाता था। ऐसे में देश और दुनिया पर कोरोना संक्रमण के रूप में जो कहर बरपा रहा है, उसने लगभग सभी व्यापार क्षेत्रों की कमर तोड़ के रख दी है। कोरोना से बचाव के लिए 22 मार्च से देश भर में शुरू किए गए लॉकडाउन की वजह से देश भर का व्यापार क्षेत्र पूरी तरह प्रभावित हुआ। इससे शादी समारोह से जुड़े लॉन, कैटर्स, डीजे, मंडप डेकोरेशन आदि व्यवसाय भी अछूते नहीं। यही वजह है कि अब व्यवसायी अपने आर्थिक नुकसान को लेकर चिंतित है। सरकार ने काम अच्छा करी, लेकिन मेरा बिछायत का जो है ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लोगों के प्रोग्रामों के मुझे एडवांस वापस देना पड़ा और मेरा कम से कम 3-4 लाख का नुकसान हो गया। जो बुकिंग थी मेरे पास वो कैंसिल हो गई। बड़ी बड़ी बुकिंग थी मेलाओं की, यात्राओं की, तो पूरा मेरे छाती पर बोझ पड़ गया। हालांकि राज्य सरकारों ने कुछ शर्तों के साथ शादी समारोह को अनुमति दी है, जिसमें घरों में ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 50 लोगों की उपस्थिति में शादी की रस्म पूरी करने की शर्त शामिल है। लेकिन देखा यह गया है कि इस फैसले के बाद भी कई शादियां स्थगित कर दी गई है। नतीजन लॉकडाउन के पहले की गई लॉन, मंडप, डीजे और कैटरर्स की बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी। जो घर चलाने की ये थी, जो इस काम के भरोसे पे जो था, जो ऑर्डर लिए हुए थे, जो कैंसिल हो गए, इस कोरोना की वजह से हमको बहुत दिक्कतें उठानी पड़ रही। और जो मेरे मजदूर लोग जो जिनको मैं चलाता था, उनको भी बहुत दिक्कत उठानी पड़ रही। और आगे के लिए हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इस कोरोना की वजह से जो आपने परमिशन दी है कि 50 लोग ही रहेंगे, इस वजह से लोगों ने शादियों को बढ़ा दिया है। इस वजह से हमारे जो ऑर्डर्स आए हुए थे, जो हमारे ऑर्डर्स बुक किए हुए थे, वो सब रिजेक्ट हो चुके हैं। इस वजह से हमारे जो परिस्थिति है उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारा जो घर चलता है, जो हमारे दिगर खर्चा आते हैं, तो वो सब हमारे इस बिछायत के भरोसे पर ही चलते हैं। और इसके बंद होने की वजह से, इसके जो हमारे जो ऑर्डर्स कैंसिल होने की वजह से, इसमें हमें बहुत भारी नुकसान हुआ है। इस विकट घड़ी में सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हाल ही में दिग्रस लॉन और बिछायत व्यावसायिकों ने शिवसेना के स्थानीय विधायक संजय राठौड़ से मिलकर न सिर्फ अपनी समस्याओं पर चर्चा की, बल्कि मुख्यमंत्री को स्थानीय तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा है। इन व्यावसायिकों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द उनकी इन समस्याओं का समाधान ढूंढकर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करे और शादी समारोह के आयोजन पर लागू गई विभिन्न शर्तों में छूट दे, ताकि शादियों के सीजन के लिए रह सहे समय में उनका व्यवसाय पटरी पे आ सके। सगळं लग्न कार्य कैंसल झाल्यामुळे पैसे आम्हाला पार्टीला सुद्धा परत द्यावे लागतात, आणि जे वस्तू आम्ही खरेदी केल्या, ऍडव्हान्स कुठे दिला आहे, काही वस्तू बोलवल्या आहे, ते ऍडव्हान्स सुद्धा आम्हाला दिल्यानंतर उरलेला पैशासाठी पण वरून प्रेशर टाकले जात आहे। तर त्यामुळे कसं काही आर्थिक मदत आम्हाला सरकारकडून मिळाली पाहिजे, यासाठी आम्ही निवेदनसुद्धा दिलं आहे तहसीलदारामार्फत उद्धव ठाकरे साहेबांना। आणि आमचे जे नियोजन होते पूर्ण वर्षभरात, या 3 महिन्यावर आमचा पूर्ण व्यवसाय डिपेंड असतो। कामगार जे असतात मंडप कामाशिवाय दुसरं काही काम करत नाही, तर त्यांना पण काहीतरी आर्थिक मदत झाली पाहिजे, याच्यासाठी मी विनंती करतो। गौरतलब है कि हाल ही में भाजपा नेता और पूर्व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर शादी समारोह आयोजन के संदर्भ में नॉन एसी समारोह को अनुमति प्रदान करने की अपील की, जबकि इस अपील को समर्थन देते हुए बीजेपी के स्थानीय समर्थकों द्वारा राज्य सरकार से कोरोना मुक्त गांव और शहरों में शादी समारोह में बारातियों की संख्या 50 से 500 तक और लॉन, कैटरर्स तथा बिछायत और मंडप डेकोरेशन से जुड़े व्यावसायिकों को आर्थिक मदद देने की मांग की है। लॉन वालों का, बिछायत वालों का मेन पूरे साल भर का सीजन का टाइम है, और यही सीजन में कोरोना का कहर आ चुका है। तो जैसे कि ये जो धंधे वाले हैं,
बिछायत वाले बोलो या लॉन वाले बोलो, मंगल कार्यालय वाले बोलो, इनका सबसे बड़ा नुकसान है। तो मैं जैसा सुधीर भाव मुनगंटीवार साहब ने जैसा बताया है, जो कि मुख्यमंत्री को अर्ज भी किया हुआ है कि इन लोगों को परमिशन दी जाए, तो मैं उनके बात से पूरा सहमत हूँ। और मैं भी माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से यही कहना चाहूँगा कि जैसा जहाँ पे 2000-2500 लोगों की कैपेसिटी का जो नॉन एसी हॉल है, जहाँ पे कोरोना मुक्त जो शहर है, जो गांव है, वहाँ पे कम से कम एटलीस्ट 500 लोगों के लिए शादी के लिए परमिशन दी जाए। और जो भी बिछायत केंद्र वाले लॉन वाले, इनको लॉन की अपना इनको लोन की कोई सुविधा दी जाए, जिससे जो इनका धंधा अभी जो पूरा चौपट हो चुका है, उनको कुछ उभरने का मौका मिले। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना के कहर से हर आम और खास बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में छोटे बड़े व्यापार उद्योग आर्थिक नुकसान की चपेट में आ गए। अब देखना यह होगा कि आगामी दिनों में सरकार कोरोना संकट को मात देने और रोजगार तथा शादी समारोह से जुड़े व्यवसाय क्षेत्र की विभिन्न चुनौतियों को एक साथ निपटने में किस तरह रणनीति अपनाती है। दिग्रस से इनबीसी न्यूज के लिए जुबेर खान की रिपोर्ट।